अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं अमारा खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ एंड लिविंग जनरल नॉलेज। औरतों से क़यामत में सबसे पहले किया जाने वाला सवाल, औरतों से क़यामत के दिन सबसे पहले क्या सवाल किया जाएगा। इरशाद नबवी है, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था या नहीं। फिर दूसरा सवाल शोहर के मुतल्लिक होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव रखा था। इस हदीस के फवाइद में लिखते हैं कि हशर का मैदान जो कल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत, सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक होगा। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का हिसाब क़यामत के दिन सबसे पहले होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें कोताही हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ होगी। औरतें नमाज में कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तारिक नमाज होती हैं, कुछ तो बहाना बनाती हैं, बच्चे का पेशाब कपड़ों में लगा रह गया। अफसोस के ये सब बहाने क़यामत के दिन काम ना आएंगे, जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। फ़राइज़ शरिया के मुताबिक औरतों से शोहर के हकूक़ और उनके फ़राइज़ और खिदमत के बारे में सवाल किया जाएगा। आजकल की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शोहर की खिदमत में अक्सर कोताही करती हैं और उनकी नाफरमानी करती हैं। क़यामत के दिन ये कोताहियाँ काबिले गिरफ्त होंगी। अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल लाइफ एंड लिविंग जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।